नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अब से थोड़ी देर में दिल्ली की आतिशी सरकार का पहला एग्जाम शुरू हो जाएगा। दो दिन के विधानसभा सत्र में आज सबसे पहले आतिशी अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगी। नजरें इस बात पर भी होंगी कि क्या दिल्ली सचिवालय की तरह असेंबली में भी केजरीवाल की सीएम वाली कुर्सी खाली रहेगी या नहीं। उधर बागपत के होटल में थूक लगाकर रोटियां सेकने वाला शहजाद गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने ढाबा सील कर दिया है। यूपी में आज से खाने की दुकानों पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट सर्वे शुरू करने वाला है। वहीं हिमाचल में कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने योगी की तर्ज पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की बात कही है, जिसके बाद नई कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ गई है। वहीं हरियाणा के नरवाना में आज पहली बार चुनावी रैली में दिखाई देंगी कुमारी शैलजा। जम्मू में आज अमित शाह की 4 और योगी की 3 चुनावी रैलियां होने वाली हैं। लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के शाजापुर से एक बड़ी खबर आ रही है। शाजापुर के मक्सी में मुस्लिम समाज के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कई राउंड गोलियां भी चली। बताया जा रहा है कि शाजापुर के मक्सी में बीजेपी का मेंबरशिप अभियान चल रहा था। एक गुट ने बीजेपी की मेंबरशिप अभियान से जुड़े समीर देव नाम के युवक को उसी के घर में घुसकर मारा पीटा, जिसके बाद मुस्लिम समाज के 2 गुट आपस में बुरी तरह भिड़ गए। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। फिलहाल भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो 2 मुस्लिम समुदाय आपस में भिड़े हैं, 2 पक्ष मुस्लिम समुदाय के आपस में भिड़े हैं। मामला ये है कि बीजेपी का मेंबरशिप प्रोग्राम चल रहा है और इसी से जुड़े हुए एक शख्स जिसका नाम समीर मेव है, उसके घर में घुसकर दूसरे गुट के लोगों ने मारपीट कर दी, जिसके बाद तनाव भड़का और क्या तस्वीर थी ये आपके सामने। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर का ये पूरा मामला है, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ही पक्ष मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो सड़कों पर हुआ वो हैरान करने वाला था। पत्थरबाजी भी हुई और ये भी बताया जा रहा है कि कई राउंड फायरिंग भी की गई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। इलाके में तनाव बढ़ने के बाद भारी फोर्स बल की तैनाती कर दी गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आरोपियों की तलाश में धरपकड़ भी की जा रही है। बहुत बढ़िया। मक्सी में 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और इसमें कुछ फायरिंग की घटना भी सामने आई है। उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनको रेफर किया गया जिला चिकित्सालय में। प्रकरण हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं और अभी स्थिति नियंत्रण में है और पूरा फोर्स हमारा जो है पेट्रोलिंग कर रहा है, पॉइंट्स लगे हुए हैं और शहर में शांति है। कारण क्या था सर विवाद? ये कारण के बारे में पता लगाया जा रहा है। आपस में इनका पूर्व से ही विवाद चला आ रहा था, उसको लेकर कुछ घायलों की स्थिति क्या है? घायलों को हमने रेफर कराया है शाजापुर, और शाजापुर से इंदौर के लिए रेफर हुआ। घटनाक्रम के पूरे स्थिति को समझने के लिए प्राथमिक आकलन कर लिया गया है, तो एसपी साहब और उनकी टीम ने कर लिया है, हम लोगों ने भी देख लिया है। उसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज और जो आसपास जो कैमरे हैं वो भी एग्जामिन किए जा रहे हैं कि एग्जैक्टली घटनाक्रम क्या हुआ। जैसा कि आपको ज्ञात है, आपके संज्ञान में है ही, तो प्राथमिक जो उद्देश्य था ये था कि क्योंकि 2 पक्षों का विवाद था, तो ये इसका कोई अन्य स्वरूप ना हो जाए, कोई एक बड़े स्तर पर या पूरे टाउन में या पूरे शहर में ये चीज़ ना हो, तो उसको कंटेन कर लिया गया है। विवाद जो आपके सामने ही वो जगह है जहाँ पे विवाद हुआ था, तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सारे हैं, मौजूद हैं। पुलिस के टिकट्स डिप्लॉय कर लिए गए हैं, पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय किया जा रहा है। जो भी अगर कानून व्यवस्था की स्थिति को ख़राब करने की कोशिश करेगा या उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न करेगा, तो उसके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर में पत्थरबाजी और फायरिंग की घटना पर चीफ मिनिस्टर मोहन यादव भी सख्त हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली से उज्जैन के आईजी और कमिश्नर से फोन पर बात की और पूरी घटना की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आईजी और कमिश्नर घटनास्थल पर पहुंचे, हालात की जानकारी ली। पुलिस सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज पर और पोस्ट पर नजर बनाए हुए है। साथ ही इलाके में भीड़ न जमा होने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, ताकि माहौल एक बार फिर से ना बिगड़ पाए। तनाव की स्थिति जो कल पैदा हुई थी
भी वो आज पैदा ना हो पाए, इसके लिए पुलिस ने पूरा कंट्रोल संभाल लिया है। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और खास तौर पर सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी भड़काऊ पोस्ट के जरिए भीड़ को इकट्ठा ना कर पाए। और आइए ताजा अपडेट के लिए चलते मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ के पास। अनुराग, बताइए फिलहाल की ताजा स्थिति क्या है, क्या रिपोर्ट्स मिल पा रही हैं, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं और अभी क्या स्थिति है? देखिए प्राची, अभी हालात सामान्य हैं। पूरी तरीके से जो मक्सी इलाका है छावनी में तब्दील कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आईजी कमिश्नर ने पूरी कमान संभाल ली थी और किसी भी तरीके का सांप्रदायिक उपद्रव न फैले। हालांकि शुरुआती जिस तरीके से हमने खबर भी दिखाई कि दो पक्षों के बीच में एक ही समुदाय के विवाद था, दूसरा पक्ष भी जुड़ता गया और न ज़्यादा कुछ हो, इसीलिए पुलिस मुस्तैद है। लेकिन जिस तरीके से कल बाकायदा जो तस्वीरों में भी दिखाया, कई राउंड फायरिंग्स दोनों पक्ष, जो एक ही समुदाय के दोनों पक्ष थे, दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई, पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, तो निश्चित रूप से माहौल तनावपूर्ण रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सूत्र बताते हैं, विवाद उभर कर आने की वजह यह रही कि जो बीजेपी का मेंबरशिप ड्राइव ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, इसी बीजेपी का मेंबरशिप ड्राइव में शामिल कराने के लिए जो मुस्लिम समुदाय का एक समीर मेव नाम का जो शख्स था, जब वो अपने मोहल्ले में मेंबरशिप ड्राइव करा रहा था, इसी दौरान उसी के समुदाय के दूसरे लोगों को आपत्ति हुई, क्यों करा रहे हो इस दल में शामिल, इसको लेकर विवाद बढ़ता गया, उसके साथ मारपीट हुई। सोमवार को वो शख्स अपने ही समुदाय के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जाता है, मंगलवार को वो दूसरा पक्ष आता है कि रिपोर्ट गलत लिखी गई। इन्हीं दोनों दिनों का जो तनाव था वो कल परिलक्षित होता है बुधवार को, जब शाम को वहां का नगरपति इलाका जो है वहां पे थाने के पास दोनों समुदाय के लोग जुड़ते हैं, तब जो दूसरा पक्ष भी आ जाता है साथ में, दोनों तरफ से जमकर फायरिंग होती है। यानी मुद्दा जो है वो रहा इस बात का कि बीजेपी में शामिल क्यों हो रहे हैं, इसी को लेकर इतना बड़ा तनाव हुआ कि पूरा मक्सी इलाका कल अगर देखा जाए तो तमाम बाजार बंद रहे, बस स्टैंड बंद रहे और दोनों तरफ से माना जा रहा है, दोनों तरफ से जो अभी तक प्रारंभिक खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से फायरिंग शॉट्स सुनाई दे रहे हैं विजुअल्स में, लगातार फायरिंग हुई। पुलिस को भी बताया जा रहा है कुछ राउंड फायरिंग, हवाई फायरिंग करनी पड़ी ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। देर रात तक तमाम थानों की, आसपास के तमाम थानों की पुलिस बुला ली गई। आज सुबह पूरा छावनी का माहौल है, हालात सामान्य है, लेकिन मुख्यमंत्री को भी इंटरवीन करना पड़ा। ठीक है अनुराग, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि जो तनाव कल देखने को मिला था आज ऐसी तस्वीरें नहीं है। इलाके में कंट्रोल पुलिस ने ले लिया है, इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि तनाव की स्थिति दोबारा पैदा ना हो पाए। शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां नई सीएम आतिशी का पहला टेस्ट है। आतिशी के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद आज से दिल्ली विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी इस सत्र के दौरान दिल्ली सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बीजेपी मानसूनी बारिश में दिल्ली में 50 लोगों की मौत समेत 14 मुद्दे उठाने की तैयारी में है, लेकिन लोगों को दिलचस्पी ये देखने में है कि आतिशी दिल्ली विधानसभा में किस सीट पर बैठती हैं। आतिशी ने जब सीएम बनने के बाद चार्ज लिया था तो उन्होंने केजरीवाल की कुर्सी को खाली छोड़ दिया था, आतिशी उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठी थी। अब वो विधानसभा में मुख्यमंत्री के लिए तय सीट पर बैठेंगी या अपनी पुरानी सीट पर बैठेंगी, ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। पिछली बार जब विधानसभा का सत्र बुलाया गया था तो केजरीवाल सीएम थे। 6 महीने में दिल्ली की पिक्चर काफी बदल चुकी है। केजरीवाल जेल जाने के बाद बेल पर बाहर आ चुके हैं और सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं और इसी के साथ दिल्ली को नई सीएम आतिशी के रूप में मिल चुकी हैं। आज देखना यही दिलचस्प है कि आतिशी सीएम वाली कुर्सी पर बैठती हैं या विधानसभा के अंदर भी सीएम की कुर्सी को खाली छोड़ा जाता है। अब आइए आपको बताते हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान आतिशी अपना बहुमत हासिल करेंगी। आज क्यों बोला जा रहा है कि आतिशी के लिए आज पहली परीक्षा है, आज क्या होगा सत्र के दौरान? तो देखिए, दिल्ली विधानसभा का दो दिन का सत्र है, सीएम का चार्ज लेने के दौरान केजरीवाल की कुर्सी आतिशी ने खाली रखी थी और इसीलिए आतिशी पर सभी की निगाहें हैं, सीएम वाली कुर्सी पर सभी की निगाहें हैं। आज असेंबली में सीएम की सीट पर आतिशी बैठेंगी या नहीं बैठेंगी, यही देखना
कितना दिलचस्प है। विधानसभा में सीएम की सीट स्पीकर के सामने होती है। 10 साल से इस सीट पर अरविंद केजरीवाल बैठते आए हैं, लेकिन जेल से बेल पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया, सीएम पद से इस्तीफा दिया। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी, लेकिन आतिशी ने अपनी लाइन साफ कर दी। आतिशी ने कहा कि वो भरत के तौर पर काम करेंगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की ही है और जनता अरविंद केजरीवाल को फिर चुनकर मुख्यमंत्री बनाएगी। अब विधानसभा में सीएम की कुर्सी पर बैठेंगी या नहीं बैठेंगी आतिशी, यही देखना दिलचस्प है। अब दिल्ली विधानसभा में क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा? तो पहला बदलाव यह है कि सीएम की कुर्सी पर आतिशी रहेंगी, आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर विधानसभा के सत्र में शामिल होंगी। दूसरा बदलाव यह है कि केवल एमएलए के रूप में ही अरविंद केजरीवाल आज आपको विधानसभा के अंदर नजर आएंगे। बीते 10 साल से सीएम की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल बैठते आए हैं। तीसरा बदलाव यह है कि डिप्टी सीएम की सीट जो है वो इस विधानसभा सत्र में खाली रहेगी। मुख्यमंत्री का चयन तो हो गया, लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी को खाली छोड़ा गया है। वजह आम आदमी पार्टी यही बताती है कि ईमानदारी का टेस्ट होना है और ये टेस्ट जनता करेगी, इसलिए चुनावों के बाद ये दोनों कुर्सियां भरी जाएंगी। आज कौन से मुद्दे विपक्ष उठाने जा रहा है विधानसभा में, ये भी आपको बता देते हैं। पहला मुद्दा होगा मॉनसून की बारिश में 50 लोगों की मौत का। इसके अलावा 95,000 गरीबों को राशन कार्ड नहीं मिले, ये मुद्दा भी आज विपक्ष उठा सकता है। राजधानी में पानी की किल्लत का मुद्दा भी आज विपक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है। अस्पतालों के निर्माण में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आज विधानसभा में गूंज सकता है। इसके अलावा बुजुर्गों को पेंशन, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या, ये मुद्दा भी आज विधानसभा में विपक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है। यानी बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है कि नई सीएम साहिबा के सामने मुश्किलों का पहाड़ जो है वो खड़ा करना है, सवाल दागने हैं नई सरकार से, नई मुख्यमंत्री से। और वो सवाल क्या होंगे ये भी आपको बताया। मानसून में 50 लोगों की मौत का मामला हो, चाहे प्रदूषण का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे पीने के पानी की किल्लत का मामला हो, आज ये तमाम बातें विधानसभा के अंदर विपक्ष की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से उठाई जा सकती हैं। अब आगे बढ़ेंगे दिल्ली के बाद, आइए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां यूपी का योगी मॉडल लागू किया गया है। दो दिन पहले योगी सरकार ने दुकानों पर मालिक के नाम और पता लिखने का जो आदेश जारी किया है, अब हिमाचल की कांग्रेस सरकार भी उसी राह पर चल पड़ी है। यूपी की तरह हिमाचल प्रदेश में भी खाने पीने की दुकान लगाने वालों को अपना नाम, अपनी पहचान बोर्ड पर डिस्प्ले करना होगा। ये आदेश हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से जारी किया गया है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के इस कदम को योगी आदित्यनाथ सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए देखा जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब विक्रमादित्य इस तरीके के फैसले लेते हों या विक्रमादित्य की जो लाइन है वो कांग्रेस की विचारधारा से थोड़ी अलग जाती हुई नजर आती हो। एक फैसला विक्रमादित्य की तरफ से लिया गया है कि हिमाचल में अब खाने पीने की दुकानों पर नाम और पहचान लिखने का जो आदेश है उसका ऐलान हो चुका है। सुखू सरकार में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खुद इसका ऐलान किया है। विक्रमादित्य सिंह के मुताबिक लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो सामान बेच रहे हैं, खासकर जो खाने पीने का सामान बेच रहे हैं, उन्हें अब अपनी पहचान बतानी होगी, यानी कि अपनी पूरी डिटेल, अपना पूरा ब्यौरा वो नेम प्लेट के जरिए उजागर करना होगा, आपको बताना होगा अपनी दुकान के बारे में। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके।
तो यूपी का जिक्र विक्रमादित्य कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसा यूपी की योगी सरकार ने आदेश जारी किया है ऐसा ही आदेश हम भी जारी कर रहे हैं। तो यूपी के बाद अब हिमाचल सरकार की तरफ से इस तरह का आदेश क्यों जारी किया गया है, आइए वो भी समझिए। दरअसल पिछले कई दिनों से खाने पीने की चीजों में मिलावट की बातें सामने आई, आए दिन ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कुछ लोग खाने में गंदी चीज मिलाते दिख रहे हैं। ऐसे में खानपान की चीजों में शुद्धता और पवित्रता जरूरी है, वहीं सामान कौन बेच रहा है, खाना वेज है या नॉन वेज, इसके लिए ग्राहकों का ये जानना जरूरी है कि दुकानदार कौन है और उसका नाम क्या है। इसी आधार पर ये जो आदेश है वो हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है। जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हिमाचल के बाद आइए बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां एक होटल में थूक लगी रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी युवक शहजाद को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही जांच पूरी होने तक होटल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें नरेश चिकन कॉर्नर नाम के होटल में एक युवक थूक लगाकर रोटी बनाता नजर आ रहा है। एक मिनट के वीडियो में वो 3 बार थूक लगाता नजर आ रहा है। होटल में खाना खाने गए एक युवक ने इसका वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद इस आरोपी को, जो आपको लाल घेरे में नजर आ रहा होगा और अभी पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा होगा, इस आरोपी को फिलहाल पकड़ लिया गया है। आरोप ये है कि थूक लगाकर रोटी बना रहा था। और देखिए, कोई पहला मामला नहीं है जो इस तरीके की घटना सामने आई हो। हाल ही में शामली से भी ऐसी घटना सामने आई थी जहां जूस वाला जूस में थूक डाल रहा था, हालांकि उस पर भी एक्शन हुआ। बागपत से भी ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई जहां रोटी पर थूक लगाकर सेका जा रहा था, उसे भी फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि आपको अपने ढाबे के बारे में, अपनी दुकान के बारे में पूरा ब्यौरा नेम प्लेट पर लिखना होगा, अपना नाम बताना होगा, अपनी आइडेंटिटी उजागर करनी होगी, ताकि ग्राहकों को ये सहूलियत रहे कि वो कहां पर खाना खाएं, कहां पर पवित्रता उन्हें मिलेगी, कहां पर उन्हें शुद्धता मिलेगी। उधर बिहार में जाति को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव नहीं बल्कि गडेरिया हैं, जिसका जवाब लालू यादव ने भी दिया। लालू यादव ने तंज करते हुए पूछा कि जीतन राम मुसहर है क्या। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद से हुई जिसमें उन्होंने जीतन राम मांझी को आरएसएस और बीजेपी की पाठशाला से पास स्टूडेंट बताया। तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी की जाति को लेकर कहा था कि वो मांझी नहीं बल्कि शर्मा हैं, जिसके जवाब में जीतन राम मांझी ने लालू को गडेरिया जाति का बता दिया। सबसे पहले आइए आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनाती हूँ जिससे विवाद की शुरुआत हुई है। मांझी जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मांझी जी केंद्र मंत्री भी है, केंद्र मंत्री का दर्जा होता है, और जो भी बात उन्होंने कही उनको तथ्यों से लेना देना नहीं। मांझी जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखे लोग, जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया उसको केवल वही जो है नीचे दबल है पढ़े हैं, तत्व से सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। अब तेजस्वी यादव के इसी बयान को लेकर जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने लालू यादव को लेकर विवादित बयान दिया। मांझी ने कहा कि तेजस्वी हमको शर्मा कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में बताएं कि उनके पिताजी किसके जन्म में हुए हैं, लालू गडेरिया हैं यादव नहीं। बात है कि वो लोग नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़ के आए ही हैं। वो पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, हम भी बीए ऑनर्स किया है, उनकी डिग्री क्या है वो बतावें एक चीज। दूसरी बात, यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में मान लें कि उनके पिताजी किसके जन्म में हुए हैं, गणेरिया के जन्म में हुए हैं तो गणेरिया हैं, वो यादव नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इसी बयान पर लालू यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। लालू यादव ने सिर्फ एक लाइन में कह दिया कि वो मुसहर हैं क्या, यानी वो मांझी जाति से हैं क्या। मांझी जी का लालू यादव नहीं है।
मुसार है क्या हो?